धमतरी जिला में दिल ल झकझोर देहे के कैसन मामला आए हे, जेमा नानकुन लैका के इलाज में डॉक्टर अतका गड़बड़ी कर डालिस जेखर ले लैका के हाथ में संक्रमण फैल गए। संक्रमण अतेक फैल गए कि लैका के हाथ ला काटे ला पड़ गईस। देखा हमारी रिपोर्ट। 8 माह के नानकुन लैका के अलकरहा बीमारी और लैका के दाई ददा के डॉक्टर ऊपर लापरवाही के शिकायत तुल पकड़ ले हे। लैका के परिवार कलेक्ट्रेट पहुंच के जिला प्रशासन ला डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही और आर्थिक मदद के मांग करीन है। भैया अब बच्चे की स्थिति देखे यही कुछ नहीं, थोड़ा आर्थिक सहयोग और उसके जो भी हुआ है उसके कार्रवाई करे और शासन प्रशासन से भविष्य बच्चे के कुछ बनाने की कोशिश करे, इसकी मांग के लिए है। जांच में तो संतुष्ट क्या है सर, हमको कुछ संतुष्टि नहीं हुआ है, कुछ अभी तक हमारे को ऐसे एहसास नहीं हुआ है तो हमारे ऊपर हमारे जांच में कुछ हो रहा है, हमारे आवेदन कर रहे हैं। अब अभी कलेक्टर साहब बोले हैं 1-2 दिन में बताते हैं, अभी जांच के लिए भी टीम बनाए हैं ऐसे करके बोले हैं। हम लोग मित्तल परिजन मन आरोप लगाए है कि शहर के मित्तल अस्पताल में इलाज करवा डॉक्टर के लापरवाही के कारण लैका के हालत बिगड़ गई, जेखर ले लैका के दोनों हाथ ला काटे ला पड़ीस। लैका के दोनों हाथ में कुछ जगह काला हुईस, फिर नीला, फिर सड़े लगीस, जेकर इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ गई, जेकर बाद बच्ची के दोनों हाथ ला काटे ला पड़ीस। तो सब लोग ही तो हम बुखार था, एक मामूली बुखार था, तो इलाज कराने के लिए मित्तल के पास आए। मित्तल के पास आए तो दिखाए तो भर्ती करवाना है को कहा, तो हमने भर्ती करवाए और उन्होंने सोनोग्राफर भी की और एक्सरे भी ली, खून जांच भी किया और पेशाब जांच भी किया। उसके बाद में इलाज आरंभ हुआ। इलाज नहीं नहीं वो बात नहीं है, बाटल चघा, बाटल चघाए के बाद में वो हाथ नीला पड़ा, नीला होए के बाद में वो काला काला पड़ा, बाटल चघाए के बाद में दोनों हाथ वैसे ही हो गए। तुरंत रात रात भर चघा हाँ अस्पताल में, हाँ बिल्कुल लापरवाही है ना, कार्रवाई करेंगे ना, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो। अब ये तो सामने में पानी ही ना, तो ये तो पी नहीं सके, मतलब इसको तो एक जन चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा आर्थिक सहयोग और कुछ इसके भविष्य के लिए सहयोग राशि शासन को मांग। लैका के पिता के मानी त लैका ला थोड़किन बुखार होइस त निजी अस्पताल में भर्ती कराए रहें, तब डॉक्टर के लापरवाही के कारण लैका की स्थिति आउ बिगड़ गए। इसमें साधारण बुखार के लिए कोई निजी हॉस्पिटल द्वारा जो ट्रीटमेंट दिए हैं उसमें से कुछ गैंग्रीन डेवलप हुआ है और उसमें तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर किए हैं, फिर इसके बाद हम डीके हॉस्पिटल रायपुर में रेफर किए हैं और कुछ जो ट्रीटमेंट है उसकी जाँच के लिए 3 सदस्य जाँच टीम अभी नियुक्त किया हूँ। उसमें सभी जो भर्ती किए हैं इसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट दिए हैं और किस टाइप का वहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो किया है उसको पूरा जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट के बाद हम जो भी निजी हॉस्पिटल या फिर जो संबंधित डिपार्टमेंट है ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसमें रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ विदेश के डॉक्टर से भी कंसल्ट किए बता रहे हैं, कुछ रेयर केस बता रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट आएगा फिर रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन मामला के जांच पर 3 सदस्यीय टीम गठित करे है। जांच रिपोर्ट आए के बाद दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करे के भरोसा परिजन ला दिला है और आर्थिक मदद के आश्वासन घलो दिए है। धमतरी ले डिजिटल रिपोर्टर देवेंद्र मिश्रा के रिपोर्ट।